सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे हम बात करने वाले हैं समुद्री जीवों के बारे में। जो 8 समुद्री जीवों के बारे में हम बात करेंगे, अगर आप इनके संपर्क में या कांटेक्ट में आते हैं तो आपको आने से पहले वहां से हट लेना है, वरना ये 8 जीव आपको लूला लंगड़ा या आपकी जान भी ले सकते हैं। जमीन पर एक दुनिया है और फिर समुद्र के नीचे एक दुनिया है। इन विचित्र समुद्र जीवों की सूची पर एक नज़र डालें जो आपके दिमाग को उड़ा कर रख देगा, या यूं कह लें आपके होश उड़ा कर रख देगा। समुद्र रहस्यों और आश्चर्यों की दुनिया है, जबकि हम अक्सर सोचते हैं कि जमीन पर अनोखे जीव रहते हैं। हम अक्सर यह नहीं समझ पाते हैं कि पानी में भी एक दुनिया है। समुद्र की गहराई में गोता लगाएं और आपको ऐसे मनमोहक जीव मिलेंगे जो आपके दिमाग को झकझोर देंगे। कोई आश्चर्य नहीं है कि गहरे समुद्र में अविश्वसनीय जीवन रूपों का खजाना है। यहाँ हम आपको लिए समुद्र के नीचे पाए जाने वाले सबसे आकर्षक जीवों की एक भंडार सूची लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वैम्पायर स्क्विड, यह हमारी सूची में सबसे पहले वैम्पायरोट्यूथिस इन्फ्रेलेसिस, जिसे वैम्पायर स्क्विड भी कहा जाता है, यह एक बेहद आकर्षक प्राणी है। यह अपनी उपस्थिति के लिए लोकप्रिय है। इस प्राणी की आंखें खूबसूरत लाल रंग की होती हैं। इसके शरीर पर लबादा जैसे लाल जाल भी होता है। कई लोग कहते हैं कि यह गौथिक कहानी के प्राणी जैसा दिखता है। यह प्राणी वास्तव में समुद्री मलबे पर पलता है। यह समुद्र की गहराई में नेविगेट करने के लिए बायोलोमिनेंस का उपयोग किया जाता है। डम्बो ऑक्टोपस, हमारी सूची में अगला नाम डम्बो ऑक्टोपस का है। इस जीव को ग्रिम्पोट्यूथिस के नाम से भी जाना जाता है। जब तक आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम एक लोकप्रिय डिज्नी चरित्र के नाम पर रखा गया है। यह एक बेहद खूबसूरत गहरे समुद्र का जीव है। यह अपने पंखों के लिए लोकप्रिय है जो कानों की तरह दिखते हैं। इस जीव को भी अधिक आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि इसकी सुंदर चाल। डम्बो ऑक्टोपस वास्तव में एक बहुत ही कोमल जीव है। यह अपने शरीर को अपने तंबुओं के माध्यम से पकड़ता है। यह कहना है कि गलत नहीं होगा कि डम्बो ऑक्टोपस समुद्र के सबसे प्यारे जीवों में से एक है। ब्लॉबफिश, हमारी सूची में तीसरा नाम है ब्लॉबफिश का। इसे साइक्रोल्यूटस मर्सिडिसस भी कहा जाता है। यह समुद्र का एक आकर्षक जीव है और आमतौर पर 40,000 फीट से अधिक गहराई पर पाया जाता है। यह जीव जिलेटिनस शरीर के साथ आता है। यह शरीर का प्रकार जीव को समुद्र की अत्यधिक गहराई के दबाव में से निपटने में मदद करता है। यह बहुत अच्छा दिखने वाला जीव नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि समुद्री जीव कितना लचीला हो सकता है। गहरे समुद्र में रहने वाली ड्रैग फिशन, इसे ग्रैमटोस्टोमस या फ्लैगिबल बर्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह जीव ड्रैगन जैसे दिखता है। इसमें रेशेदार लंबे बारबेल होते हैं। यह समुद्र का एक रहस्यमय जीव है। इसका शरीर लंबा होता है जो इसे समुद्र की गहराई और अंधेरे के अनुकूल में होने में मदद करता है। इस जीव की इंद्रिय बहुत ही मजबूत होती हैं जो इसे शिकार करने में मदद करती है। पैंग टूथ मछली, इसे एनोप्लेगस्टर कार्नुटा भी कहा जाता है। यह समुद्री जीव डरावना दिखता है, खासकर इसके बड़े दांतों की वजह से। यह मछली चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, मनुष्यों के लिए अपेक्षाकृत हानिकारक है। इसका कारण यह है कि यह छोटी मछली वास्तव में छोटे समुद्री जीवों और मछलियों को खाती है। अब अगली बात करते हैं बैरलेई मछली। हमारी सूची में अगला आकर्षक जीव है बैरलाई मछली। इसका आंखें ट्यूबुलर होती हैं। इस जीव को और भी खास बनाता है इसका पारदर्शी सिर। इस जीव को जो बात खास बनाती है यह है कि यह ऊपर और आगे दोनों तरफ देखने में सक्षम है। इस जीव को आसपास के क्षेत्र का 360 डिग्री का अद्भुत दृश्य मिलता है।
कोई आश्चर्य नहीं है कि यह एक आकर्षक समुद्री जीव है, एंगलर मछली। एंगलर मछली को लोफी फॉर्मेस भी कहा जाता है। यह समुद्री या समुद्र में धोखा देने माहिर है। ये जीव बेहद अनोखे दिखते हैं। ये अपने शिकार को अपने सिर से फुसलाते हैं। इस जीव का मुंह वास्तव में तीखे दांतों से भरा होता है और ये अपने शिकार को फुसलाने में माहिर होते हैं। गोल्बिन शार्क, हमारी सूची में अंतिम नाम है गोल्बिन शार्क का। इस जीव को मिस्तू कुरीना ओवेस्नी के नाम से भी जाना जाता है। यह जीव भूतिया रूप और उभरे हुए जबड़े के साथ आता है। इसे अक्सर जीवाश्म भी कहा जाता है। यह अपने शिकार को अत्यधिक गति से पकड़ने के उद्देश्य से अपने विस्तारित जबड़े का उपयोग करता है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमारे समुद्री आठ जीवों के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में नाइस वीडियो लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर हमारी वर्ड इधर उधर थोड़ा बहुत हुए हों तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।